कश्मीर की जन्नत सी फिजाओं में आतंक मचाते दहशती नारे, हाथ में बंदूक लिए कत्लेआम करते आतंकवादी। एक जमाने में कश्मीर का यही असल चेहरा बन गया था। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सुपरहिट होने के बाद से कश्मीर से जुड़ी कई पुरानी घटनाएं अब वापस से चर्चा का विषय बनती जा रही है। आतंकवादी यासिन मलिक फिर से सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन चुका है। तो चलिए आज इसी आतंकवादी के खूनी इतिहास के पन्ने पलटते हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम सीन। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के मुखिया यासीन मलिक पर 1990 में एयरफोर्स के चार जवानों की हत्या का आरोप है। इस मामले में जम्मू कश्मीर की टाडा कोर्ट ने मलिक समेत 6 के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए। 2019 में केंद्र सरकार ने JKLF पर प्रतिबंध लगा दिया था। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के बाहरी इलाके रावलपोरा में आतंकियों ने वायुसेना के जवानों पर हमला कर दिया। इस घटना में 40 लोग घायल हुए थे जबकि 4 जवान शहीद हुए थे। वायुसेना के जवान एयरपोर्ट जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। मलिक पर वायुसेना के जवानों पर प्राणघातक हमला करने की साजिश करने का आरोप है। आतंकियों के हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना ने अपने साथियों को बचाने की भरसक कोशिश की थी। यासीन मलिक पर तत्कालीन भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण का भी आरोप है। 1989 में रुबिया सईद का जम्मू से अपहरण हुआ था जिसके सामने भारत सरकार ने झुककर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया था। इन आतंकवादियों की रिहाई के बाद कश्मीर घाटी में आतंक फैल गया। इस आतंक और रुबिया सईद अपहरण के आरोप यासीन मलिक से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक से मुलाकात कर उससे हाथ मिलाया था जिसके लिए उन्हें आज तक आलोचना का सामना करना पड़ता है। वैसे ही यासीन मलिक की लेखिका अरुंधति रॉय के साथ भी तस्वीरें वायरल हुई जिसे थोड़ा बदलकर द कश्मीर फाइल्स में भी इस्तेमाल किया गया है। यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है लेकिन उसकी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान में रहकर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलकर फेक न्यूज फैलाती है। यासीन की पत्नी मुशाल वीडियो बनाकर दुनिया भर में प्रचार कर रही है कि कश्मीर में अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और यह अत्याचार और कोई नहीं इंडियन आर्मी कर रही है। इसी के साथ यासीन की पत्नी कश्मीर को भारत से तोड़ने के लिए भी लगातार भड़काऊ वीडियो बनाती रहती है। यह थी आतंकवादी यासीन मलिक की कहानी। ऐसी ही अन्य क्राइम से जुड़ी कहानियों को देखने के लिए आप बने रहिए क्राइम भाषी के इस खास प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है क्राइम सीन।